आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख। शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। उद्धव गुट की मांग थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, अब कुछ पता चल पा रहा है आगे उद्धव ठाकरे गुट क्या करेगा? देखिए, फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट के पास चुनाव आयोग की सुनवाई का सामना करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता तो बचा नहीं है। अब उन्हें जो है ये किसी तरीके से चुनाव आयोग को संतुष्ट करना है कि कैसे जो शिवसेना पार्टी है वो अभी भी उन्हीं की पार्टी है, उनके पास जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नंबर का जो खेल है, जो आंकड़े हैं, वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिखाई देते हैं। ऐसे में जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं या लीगैलिटी जो ग्राउंड्स हैं उसको लेकर के शिवसेना जो है आने वाले दिनों में इस पर विचार मंथन करेगी, उनकी लीगल टीम के साथ में बैठ करके क्या इसके अलग अलग जो है रास्ते निकल सकते हैं, इस रणनीति कैसे जो है तैयार करनी है, इसको लेकर के उनका डिस्कशन शुरू होना है। तो एक तरफ जो है आंकड़ों का खेल और दूसरी तरफ इसमें जो अलग अलग लूपहोल्स हैं या नियम कानून कायदे की जो पेचीदगियां हैं उसको लेकर के बहस जो है चुनाव आयोग के पास जा सकती है। पता ये चल रहा है कि एकनाथ शिंदे खेमा जो है ये बात साफ बताना चाहता है कि सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद की हम बात कर लें या अलग अलग ऑफिस वेगर्स की हम बात कर लें, शिवसेना बतौर संगठन जो है उसके कई सारे अधिकारी, पदाधिकारी, अलग अलग कार्यकर्ता जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। ये आंकड़े वो चुनाव आयोग के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने किस तरीके से अपने आप को पहले विधायक दल का नेता बनाए रखा, बाद में उन्होंने चीफ व्हिप को जो है इलेक्ट किया, ये प्रोसेस कैसे बाकायदा नियम के अनुसार थी, ये वो दावा पेश करेंगे चुनाव आयोग के पास। और इस तरीके से वो कब्जा करना चाहेंगे पहले शिवसेना पार्टी पर और उसके बाद चुनाव चिन्ह के ऊपर भी वो दावा ठोकना चाहेंगे, जिसका फायदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ बीएमसी के चुनाव में बल्कि उसके बाद दोबारा फिर से जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी उन्हें होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ लगातार उद्धव ठाकरे खेमा जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पूरा जो प्रोसीजर ये हुआ है वो नियमों को ताक पर रखते हुए एकनाथ शिंदे उनके खेमे ने किया है। तो आखिरकार इस अगर सुनवाई को देखें, सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई को, तो इसका नतीजा यही दिख रहा है कि ये इसी तरीके से उद्धव ठाकरे खेमे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जबकि एकनाथ शिंदे जो इस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं या जो रणनीति वो तय करना चाहते हैं उसके एक कदम आगे करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक कदम जो है उनके फेवर में ये फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग के सामने फिलहाल उद्धव ठाकरे फैक्शन नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद चुनाव आयोग अब जो है इस मामले की आगे की सुनवाई करेगा। दीपक, अच्छा राकेश, मुझे जरा बताइए, मुंबई की सियासत की नब्ज आप जरा ठीक ठाक से समझते हैं, मुझे बताइए ये उद्धव ठाकरे जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोई कुछ इसमें गहराई है कुछ, या वो हवा में हाथ पैर मार रहे हैं? क्या वर्ड ऑफ माउथ शिवसेना के भीतर और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर उद्धव ठाकरे को लेकर है? सीधा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए कोई भी स्कोप बचा हुआ है कि वो शिवसेना को रिटेन कर पाए बतौर अध्यक्ष? देखिए, अगर बात करें उद्धव ठाकरे के कद की, स्ट्रेचर की, पार्टी के प्रमुख हैं, ठाकरे परिवार के साथ हैं, एक लीगेसी साथ में लेके आते हैं, एक बैगेज उनके साथ में है, तो ये माना जाता है कि कई सारे जो लीगल ओपिनियंस हैं या जो इस क्षेत्र के जो बेस्ट माइंड्स हैं उनका ओपिनियन उन्होंने लिया होगा, उसके हिसाब से कोई रणनीति तैयार की होगी और उसके पत्ते वो एक एक करके खोलेंगे। लेकिन जहां तक पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात है, जहां तक लोगों के बीच में क्या हवा है, किस तरीके से लोग देखते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता देखते हैं, तो उसमें फिलहाल ग्राउंड पर यह नजर आता है कि लोगों में एकनाथ शिंदे का जो दबदबा है वो ज्यादा दिखाई देता है। लोग उसमें शिवसेना की जो कट्टरवाद या जो ओरिजिनल स्टाइल है शिवसेना की उसमें अपने आप को ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर पा गए, उसको ज्यादा रियलिस्टिक महसूस कर पा गए। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाने के बाद दबंग तरीके से वो फैसले ले गए, लोगों के बीच में जा गए, ऐसा ही कुछ शिवसैनिक और महाराष्ट्र की जनता जो है या मुंबई की भी आप बात कर रहे थे वो लोग ये देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे उनका जो एक नेचर रहा है, बिहेवियर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट जो है स्वभाव से आते हैं और उनके अंदर वो बाला साहेब ठाकरे की जो का जो एटीट्यूड था, जो तरीका था, वो नजर नहीं आता। तो कुछ लोग जो है उस बात से जरूर जो है खफा कहते हैं, नाराज रहते हैं कि उद्धव ठाकरे का स्ट्रांग एक्शन नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आदित्य ठाकरे की भी बात करें तो वो भी जो है बिल्कुल अपने पिता उद्धव ठाकरे की तरह वो भी काफी चीजों में सेक्युलर नजर आते हैं, बैलेंस नजर आते हैं, डेवलपमेंट की, प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमें
हमेशा बाला साहेब के भाषणों को सुने तो वो उनका फोकस बड़ा क्लियर था, उनका फोकस उनका हिंदू वोट बैंक, उनका जो मराठी वोट बैंक है वो था, उसको लेकर के फिर चाहे उन्हें किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में जाना पड़े वो उसके लिए जाने के लिए तैयार थे। और ये जो कल्चर है बाला साहेब ठाकरे का वो आगे इनकी इस जनरेशन में नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जो अगर फील और फ्लेवर की अगर बात करें शिवसेना की तो वो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी में फिलहाल उनकी लीडरशिप में लोगों को थोड़ा फीका नजर आता है और वही फ्लेवर जो है वो काफी स्ट्रांग एकनाथ शिंदे में नजर आता है। ऐसे में फिलहाल बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो अभी भी लॉयल्टी की वजह से या ठाकरे सरनेम की वजह से उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं अब वो एक एक करके चाहे आप पावर के पीछे आने की बात करें या एकनाथ शिंदे के खुद के पर्सनालिटी की वजह से आने की बात करें वो एकनाथ शिंदे की तरफ टर्न होते हुए नजर आ गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चंपा सिंह थापा, ये वो शख्स है जो सालों तक 30 साल से ज्यादा तक वो बाला साहेब ठाकरे की परछाई बनकर के रहा, उनके सुख दुख में साथ में रहा, अंतिम समय तक उसकी उनकी सेवा की चंपा सिंह थापा ने। एक बतौर फैमिली मेंबर था ये चंपा सिंह थापा, कल चंपा सिंह थापा ने भी एकनाथ शिंदे गुट का हाथ थाम लिया। तो भले ही इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज जो है ठाकरे फैमिली को ना मिले, लेकिन इमोशनल तौर पे और एक प्रैक्टिकल तौर पे ये ठाकरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति से माना जा रहा है कि आप अपने परिवार के बाला साहब ठाकरे की जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप के तमाम प्रतीक थे उन्हें चुन चुन कर शिंदे गुट अपने पक्ष में कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे एक तरह से लग रहा है अभी के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, भविष्य क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी वो लेगेसी के प्रतीकात्मक रूप में सिर्फ उद्धव ठाकरे रह गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पर जो सेंटिमेंट बन रहा है, जो पॉपुलर सेंटिमेंट बन रहा है असली शिवसेना का, वो उसमें तस्वीर उभर कर आती है शिंदे गुट की। हालांकि भविष्य क्या होगा ये तो देखना बड़ा दिलचस्प भी होगा और हम इंतजार भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए।